हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे के बारे में। रे जो कि नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज है, छोटी सी टीवी सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड है। और 4 एपिसोड बेस है सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी होने वाली है टीवी सीरीज। और चारों एपिसोड में एक एक एक्टर को लेके एक एक स्टोरी बताई गई है। तो इस टाइप से 4 स्टोरियाँ है छोटी सी, जो कि आप आराम से जल्दी से ख़त्म कर सकते हो और काफ़ी अच्छी भी है। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन स्पॉइलर तरीके से इन स्टोरियों के बारे में बात करेंगे, ताकि कुछ स्पॉइल भी ना हो और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा रिव्यू मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं स्टोरीज के बारे में। अगर बात करें इसके एपिसोड 1 की, तो वो पूरी तरह से बेस है हमारे मनोज वाजपेयी पे। मनोज वाजपेयी जो कि एक गज़ल सिंगर हुआ करते थे, और उनको उनकी एक ट्रेन की जर्नी दिखाई गई है, जिसके अंदर उनको मिलेंगे एक रेसलर जो कि अब जर्नलिस्ट हो चुके हैं। और उनकी और मनोज वाजपेयी की बातें हैं, और उस बातों के अंदर एक प्यारी सी स्टोरी है, वो देखने को मिलेगी आपको एपिसोड 1 के अंदर। अगर बात करें हमारे एपिसोड 2 की, तो एपिसोड 2 की स्टोरी है अली फैज़ल पे। अली फैज़ल जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है, वो कुछ भी चीज़ याद कर लेते हैं, उन्हें सारे नंबर्स याद रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ नंबर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें याद रहती है, और वो काफ़ी जीनियस कहलाते हैं। लेकिन टाइम के साथ उनके साथ पता ही नहीं क्या होता है कि उन्हें नंबर्स और लोग, यहाँ तक कि अपनी कार, उन्हें कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती, वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं। और वो क्यों भूलने लग जाते हैं, ये आपको इस टीवी सीरीज में देखने पे पता चलेगा। और हमारा एपिसोड 3 बेस है हमारे मैनन भैया पे। मैनन जो कि इसके अंदर एक अजीब सा कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो एक खुद को एक अजीब टाइप का मेकअप आर्टिस्ट समझते हैं। वो अच्छे से जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मेकअप आर्टिस्ट बनने का काफ़ी शौक होता है, और वो अपनी लाइफ से थोड़ा सा अजीब से परेशान रहते हैं। इस वजह से वो अजीब अजीब से भेष बदलते हैं, और अजीब अजीब से भेष बदल के रहते हैं, ताकि दुनिया को वो अलग टाइप से देख सके और इन्जॉय कर सके। तो कुछ इस टाइप की स्टोरी है हमारे मैनन भैया की। और इसके बाद हमारा एपिसोड 4 आता है, जो पूरी तरह से बेस है हमारे हर्षवर्धन कपूर के ऊपर, जो कि एक टाइप के एक्टर होते हैं और अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन लगातार वो फेल होते रहते हैं। और उन्हें ये बाबा बाबा टाइप की चीज़ें, अंधविश्वास टाइप की चीज़ें लगती है। लेकिन जैसे ही वो इस टाइप की चीज़ों के कनेक्शन में आते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सही होने लगती है, और उन्हें इन चीज़ों पे विश्वास होने लगता है। तो कुछ इस टाइप की 4 स्टोरियाँ है। इसके अंदर आपको क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर देखने को मिलेगा। चारों अलग अलग स्टोरियाँ है, 4 एपिसोड है, 4 हीरोज़ है, और उनकी स्टोरियाँ दिखाई गई है। और क्योंकि सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरी से ली गई है, तो स्टोरियाँ काफ़ी सही है, देखने लायक है, कुछ अलग है, कुछ हटके। और मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी आपको मेरी तरफ से ये टीवी सीरीज जल्दी से जल्दी जाके देखनी चाहिए। बाकी आपके जो भी सजेशन है, आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।